नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कई बार अच्छी से अच्छी प्लानिंग करने के बावजूद निर्धारित लक्ष्य के लिए रकम कम पड़ जाती है। आज बताएंगे निवेश के लिए SIP तय करते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। किसी महीने अगर SIP नहीं भर पाए तो क्या करें और समय के साथ साथ SIP को कितनी रकम से बढ़ाएं। करेंगे चर्चा कि छोटी सी SIP से भी आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं बड़े निवेश की। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स से परिचय करा देते हैं, हेमंत रुस्तगी CEO वाइज इन्वेस्ट और कीर्तन शाह CEO क्रेडेंस वेल्थ। हेमंत जी और कीर्तन दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। तो ये एक ऐसा सवाल है, मतलब एक तो हम निवेश शुरू कैसे करें और जब निवेश शुरू करने की सोच लेते हैं कई बार लोग, तो उससे भी बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि कितने रकम से निवेश की शुरुआत करें। हालांकि अभी आप मिनिमम 500 की रकम से शुरुआत कर सकते हैं किसी भी SIP में, और अगर ऐसा मुमकिन हुआ जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जल्दी आप उससे भी कम 250 या फिर 100 रुपए की SIP भी शुरू कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। पर उसमें बहुत सारे और भी चीजें हैं ध्यान रखने की जरूरत, जो मैं आप दोनों एक्सपर्ट से जानना चाहती हूँ कि SIP की रकम तय करनी कैसे चाहिए। आप शुरुआत तो छोटी रकम से कर लेते हैं लेकिन सिर्फ उतनी ही रकम थोड़ी रहेगी, आपको बढ़ाना भी पड़ेगा, तो वो कौन से फैक्टर्स पर निर्भर करता है। मैं सबसे पहले हेमंत जी आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। तो ये जो एक बहुत ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, निवेश की सोच तो ली पर कितने की SIP करूं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर जो आधारित है वो कौन कौन से हैं? जी स्वाति, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास सेविंग होनी चाहिए, मतलब आप पहले सेवर बनेंगे उसके बाद ही आप इन्वेस्टर बनेंगे। तो सबसे पहला आपका फोकस ये रहना है कि हम सेविंग किस तरीके से करें और उसके बाद हम देखेंगे कि उसको कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। तो ब्रीफली देखिए, दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक तो कुछ आपको थंब रूल मिल जाएंगे, जो बजटिंग के थंब रूल है, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो 50-30-20। 50 का मतलब है आपकी नीड्स और 30 आपकी वॉन्ट्स और 20 जो है आपकी सेविंग। अब ये तो थंब रूल है लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि ये जो थंब रूल है ये आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखते, आपकी रिक्वायरमेंट्स को नहीं देखते आप, ठीक है। तो मेरा ये मानना है हमेशा कि थंब रूल से आपको थोड़ी जनरल गाइडेंस मिल सकती है बट उसके ऊपर आपको ज्यादा डिपेंड नहीं करना है। अब सवाल यह है कि हम कैसे डिसाइड करें कितने की SIP करनी है। तो मुझे लगता है सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करें। उसका मतलब यह है कि आपके जितने भी गोल्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के गोल्स हों, चाहे वो मीडियम टर्म के गोल्स हों या आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स हों, जैसे लॉन्ग टर्म में हम बच्चों की एजुकेशन या हमें घर खरीदना है, मीडियम टर्म में वो भी हो सकता है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, आप उसको लिस्ट आउट कर लीजिए। हर गोल को आप समय दीजिए कि कितना समय है हमारे पास रिटायरमेंट में, कितना समय बच्चों की एजुकेशन के लिए, कितना समय है हमारे पास। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा ऐसा जो गोल है जहां पे आप रिस्क ले सकते हैं और कहां पे रिस्क नहीं ले सकते हैं, यहां और कौन से ऐसे गोल हैं जहां पे दोनों हमको देखना है, सेफ्टी और थोड़ा सा ग्रोथ और रिस्क लेके। तो जब आप एक टाइम होराइजन बनाते हैं फिर आपको क्या करना है, अपना टारगेट सेट करना। टारगेट सेट करने के लिए स्पेशली लॉन्ग टर्म में ध्यान रखना है आपको इन्फ्लेशन को कंसिडर करना है, क्योंकि अगर हम 6-7% का इन्फ्लेशन मान के चले तो आप मान सकते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट 15-20-25 साल के बाद है वो कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो आपने अपना टारगेट सेट किया, आपने अपना समय निर्धारित किया और अपने अपने गोल्स को बना लिया। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपको पता चलेगा कहाँ पे आप इक्विटी में डाल सकते हैं, कहाँ पे आपको हाइब्रिड लेना है, कहाँ पे आपको डेट लेना है, शॉर्ट टर्म में आपकी जो प्रायोरिटी है वो सेफ्टी की है। तो ये जब आप करते हैं तो एक अस्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके चलेंगे आप, और फिर यू हैव टू वर्क बैकवर्ड्स के हर गोल के लिए मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, कितनी SIP करेंगे टोटल, वो आपका सम टोटल है जितने भी आपके गोल्स हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको 2 करोड़ की जरूरत है, 20 साल का अगर आपके पास समय है, मैं 12% का अगर रिटर्न मान के चलूं तो 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। इस तरीके से हर गोल की आप कैलकुलेशन कीजिए, टोटल देखिए कितना आपको इन्वेस्ट करना है। तो आई थिंक वो एक बिल्कुल सही तरीका होगा क्योंकि वो आपको ये भी बताएगा कितने पैसे की जरूरत है, फिर ऑब्वियसली आप देखेंगे कितना आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कहाँ पे शॉर्टफॉल है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आपको ये भी बताएगा कि किस गोल को आपको प्रायोरिटाइज करना है, किसको आप नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली जितना पैसा आप है वो तो लिमिटेड रहता है हमारे पास, हालांकि हम ओवर ए पीरियड टाइम बढ़ा सकते हैं, बट शुरुआत करने के लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस डिसाइड कीजिए हर गोल का कितना है, सम टोटल कीजिए, वो आपको बताएगा कितने की SIP आपको।
बिल्कुल, और अब तो SIP कैलकुलेटर बहुत इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। आप चेक कर सकते हैं कि मानिए 10 साल के बाद हमें 20 लाख रकम की जरूरत है, आप 20 लाख रकम डालिए, उसके बाद कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं, 11% या 12% ऑन एन एवरेज, 11 से 12% SIP में आपको रिटर्न मिल सकता है इक्विटी फंड में, और उसके बाद आपको वो SIP की रकम दिखा देता है। ये तो मोटा मोटी कैलकुलेशन है, इसकी डिटेल्स में जाना भी जरूरी है। ऐसे कीर्तन, अब जैसा हेमंत जी ने बताया उसी के फॉलो अप में जानना बेहद जरूरी है कि आपने एक लक्ष्य तय किया, उसके बाद एसेट एलोकेशन की, आपने जाना और समझा कि मेरा जो निवेश लक्ष्य है कितना दूर है, और उसके बाद आपने एक रकम तय की। लेकिन हर किसी के लिए वो रकम अलग हो सकती है। अब दो इम्पोर्टेंट पड़ाव किसी के भी लाइफ में आते हैं, बच्चों की पढ़ाई है और फिर रिटायरमेंट है, उसके बीच में और भी बहुत सारे गोल्स हैं, लेकिन ये हर किसी की लाइफ में फिक्स गोल्स ही हम मानते हैं। किसी को बच्चे की पढ़ाई विदेश में भी करानी पड़ सकती है, किसी को भारत में करानी पड़ सकती है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एजुकेशन इन्फ्लेशन का भी। तो SIP की रकम तय करते वक्त क्या महंगाई की गणना करना भी जरूरी है कि आप महंगाई जोड़ें, और जैसा हेमंत जी ने बताया कि रिटायरमेंट के लिए भी आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत है, तो मुझे रिटायरमेंट के बाद कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी इसको कैसे तय किया जा सकता है, तो क्या हम इसकी एक बैकवर्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं? स्वाति जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम ये कैलकुलेशन कौन से रेट पे करेंगे, क्या इंटरेस्ट रेट पकड़े जिसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपका गोल कितना दूर है। तो अगर मान लीजिए आपका गोल 10 साल या 20 साल दूर है, तो आप ये मान के चलिए कि आप 12% की एक अंदाजन रेट पकड़ लीजिए, कि क्योंकि आप जितना गोल आपका दूर है उतना पैसा आप शायद इक्विटी में ज्यादा निवेश करेंगे। पर अगर आपका गोल नजदीक है तो आप 12% पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप शायद नजदीक वाले गोल में पैसा इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये तय कीजिए कि आपका गोल कितना नजदीक या दूर है। अगर मान लीजिए हम जो दो गोल्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बच्चे की पढ़ाई, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक 35 साल का इंडिविजुअल है जो शायद आज सोच रहा है कि आज से 10 साल बाद मुझे मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना है, और आज वो जिस तरीके की एजुकेशन कराना चाहता है उसका कॉस्ट तकरीबन 12 लाख रुपए है, तो सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आज से 10 साल बाद जब आप ये एजुकेशन कराने वाले हो तो उसकी कॉस्ट 12 लाख नहीं रहेगी, कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी। देखिए, अभी एक अजम्पशन है कि आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर या रेट ऑफ इन्फ्लेशन लेकर इस कैलकुलेशन को करना चाहते हैं, पर अगर मैं पकड़ कर चलूं कि मान लीजिए 6% से कॉस्ट बढ़ेगी, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि 12 लाख रुपए का खर्चा आज उस पढ़ाई का जो है वो आज से 10 साल बाद 21.5 लाख रुपया हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले 10 लाख या 12 लाख बचत के लिए SIP का निवेश नहीं करना है, आपको 21.5 लाख रुपए के लिए SIP का निवेश करना है। अब अगर मैं मान के चलूं क्योंकि मेरे पास 10 साल का समय है और मुझे 21.5 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं, और अगर मुझे 12% तक का रिटर्न मिल सकता है, तो मुझे 9,500 रुपए की SIP करने की जरूरत है। तो अगर मैं 9,500 रुपए की SIP करता हूं हर महीना अगले 10 सालों के लिए और मुझे 12% तक का रिटर्न मिल जाता है, तो मेरे पास 21.5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे जो मेरी बच्चे की पढ़ाई के लिए यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आज का 12 लाख रुपया शायद तब मुझे 21.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब अगर उसी इंडिविजुअल जो 35 साल का है उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास कितना समय है रिटायर होने के लिए। तो आज अगर आप 35 साल के हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं 60 साल तक काम करूंगा, तो आपके पास तकरीबन 25 साल है रिटायर होने के लिए। क्योंकि 25 साल का समय है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप शायद पैसा इक्विटी में निवेश करना चाहोगे, क्योंकि काफी लंबा समय है, और इस लंबे समय में इक्विटी में निवेश करके आप एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको जानना है कि आज अगर मेरा सालाना खर्चा मान लीजिए तकरीबन 6 लाख रुपए है, तो सालाना खर्चा 6 लाख रुपए नहीं रहेगा आज से 25 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा। तो अगर मैं 6 लाख रुपए को 6% इन्फ्लेशन से बढ़ा दूं 25 सालों के लिए, तो मुझे तकरीबन 26 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी सालाना रिटायरमेंट के बाद। ये शायद सोचकर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे कि 26 लाख रुपया हर साल चाहिए, पर हर साल इन्फ्लेशन से आपका खर्चा बढ़ता है। अब मैं अगर अज्यूम करूं कि आपको 26 लाख रुपए हर साल प्लस थोड़ा सा इन्फ्लेशन चाहिए
अगले 20 सालों के लिए, आपके 60 से 80 सालों को कवर करने के लिए, तो उसके लिए आपके पास 60वें साल पे कुछ एक मोटी रकम कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा, जिस कॉर्पस में से आपको 26 लाख प्लस इन्फ्लेशन हर साल मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा बैकवर्ड कैलकुलेशन करें तो आपको तकरीबन 4,20,00,000 रुपया 60 साल पर इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसको अगर आप इन्वेस्ट करोगे तब जाकर आपको 26 लाख प्लस थोड़ा सा इन्फ्लेशन अगले 20 सालों तक मिलेगा। अब आपको 4,20,00,000 रुपया बहुत बड़ी अमाउंट लगेगी, पर कंपाउंडिंग की वजह से अगर आपको 4,20,00,000 रुपया रिटायरमेंट पे इकट्ठा करने और आप 35 साल के और आपके पास 25 और साल है, तो आपको सिर्फ 25,000 रुपये की SIP करनी है। तो अगर इसे सम अप करूं तो आप अगर 35 सालों पर 25,000 रुपये की SIP स्टार्ट करें और हम अगर अज्यूम करें कि हमें 12% तक का रिटर्न मिल सकता है, तो अगले 35 सालों में 60 साल तक, जब मैं 60 का हो जाऊंगा, तो मेरे पास तकरीबन 4,20,00,000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा, जिसे अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 26 लाख प्लस थोड़ा सा इन्फ्लेशन अगले 20 सालों तक मिल सकता है। आपको प्लानिंग ऐसे करनी है, आपको देखना है समय कितना है जिसकी वजह से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर ये थोड़ा सा बैकवर्ड कैलकुलेशन करना है, और आपको 25,000 रुपए की SIP करनी है, और अगर बाकी जो अजम्पशंस सही बैठे तो मोटा मोटा आपका रिटायरमेंट प्लानिंग इसी नंबर्स के थ्रू हो सकता है। बिल्कुल, तो आज की जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि कल की जरूरत के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए 25 या 20 लाख रुपए काफी होंगे रिटायरमेंट के लिए, लेकिन आप सोचिए 20 साल के बाद वो 20 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आप खुद ही जब बाजार में सामान खरीदने जाते होंगे, 1,000 रुपए में पहले जो 6 चीजें पहले आती थी वो अब सिर्फ 3 या 4 चीजें ही आती हैं, तो उससे इन्फ्लेशन का अंदाजा हो जाता है। लेकिन एक जो बेसिक सवाल हेमंत जी हर कोई जानना चाहता है वो ये है कि एक महीने की सैलरी का लगभग कम से कम कितना प्रतिशत किसी को इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे खर्चे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, EMI चल रही है और भी सारे खर्चे हैं, मंथली बजट है, और उससे वो खर्चा निकल नहीं पाता है निवेश के लिए, तो मिनिमम कम से कम रखना कितना चाहिए सर? देखिए स्वाति, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बजटिंग के रूल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने बात की थी कि 50-30-20 वाला रूल, जहां पे 20% जो आप सेविंग करते हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थंब रूल्स की ये है कि वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी नीड्स को नहीं देखते हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करते हैं, जैसे हमने बात की डिटेल में अभी कि किस कितना पैसा आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है, तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा मुझे सेव करके इन्वेस्ट करना होगा। ऑब्वियसली फिर उसको आप परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करेंगे, वो 20% भी हो सकता है, वो 30% भी हो सकता है, तो फिर आप देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो जो कमी है उसको आप किस तरीके से पूरा करेंगे। देखिए आप थंब रूल से जाएंगे तो हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट जो वो 30,000 रुपए हो और आपकी थंब रूल बोल रहा है कि 20,000 आप इन्वेस्ट कीजिए, तो 10,000 का जो गैप है वो आपको बहुत भारी पड़ेगा ओवर ए लॉन्गर पीरियड। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है वो एक गाइडेंस, जनरल गाइडेंस के लिए ठीक है, बट अदरवाइज आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए और फिर वापस जाके देखिए कि अभी आपके पास कितना स्कोप है। साइज सी बात है, वो देखने के लिए आपको बजटिंग करनी होगी, राइट? बजटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक्स अमाउंट बचता है, हमको रिक्वायरमेंट है वाई अमाउंट की, तो वो डिफरेंस जो आएगा आपको पता चलेगा, वो एक आपको रियलिस्टिक पिक्चर देगा, फिर आप उस पर काम करेंगे कि इस गैप को हम पूरा कैसे करें। बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको लगता है कि जरूरी नहीं है, उसको हम कम कर सकते हैं, तो हो सकता है वो आपका गैप कम हो जाए। अगर वो नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा, गोल्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गोल्स बनाते हैं तो आपने सारे गोल्स लिस्ट कर लिए, फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से गोल कम इंपॉर्टेंट है, किसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, राइट? तो वो आई थिंक रियलिस्टिक नंबर लेके आपको एक ट्रू पिक्चर मिलेगी, जिसके बेसिस के आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि हम SIP की बात कर रहे हैं, वो यही है। होता क्या है अमूमन कि आप खर्चा करते हैं फिर देखते हैं कितना पैसा बचा, तो वो तो आपके लिए काम करेगा नहीं। SIP में क्योंकि आप हर महीने का पैसा कमिट करते हैं, तो आपको पता है कि इतना पैसा मेरी सैलरी में से निकालना, तो आपने क्या किया, आपने पहले सेव किया और फिर खर्चा किया, जो मुझे लगता है बिल्कुल सही तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के।
बिल्कुल, और किसी भी निवेश की खूबी यही है कि आप बहुत ही एक न्यूनतम बेसिक अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी एक महीने या निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, पैसे कम है, एक छोटी शुरुआत ही करें, लेकिन उस शुरुआत को आगे बढ़ाकर सिर्फ छोटा ना रहने दें, उसको बढ़ाना भी जरूरी है। कर रहे हैं कि कितनी SIP आपको करनी चाहिए अपने निवेश लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी हैं, CEO वाइज इन्वेस्ट, और कीर्तन शाह, CEO क्रेडेंस वेल्थ से हमारे साथ हैं। कीर्तन, अब बात SIP को बढ़ाने की। आपने एक लक्ष्य के लिए, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग हो, SIP शुरू तो कर दी, लेकिन फिर आप भूल जाते हैं। आपको लगता है कि चलो अब ये एक डिसिप्लिन हो गया मेरी लाइफ का अगले 15 या 10 साल के लिए, अब चलो हर महीना बैंक से पैसे निकल रहे हैं SIP के लिए और एक वेल्थ इकट्ठी हो रही है, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या टाइम के साथ इस अमाउंट को बढ़ना नहीं चाहिए? स्वाति जी, डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ इन्वेस्टर आज हम सब SIP एज अ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पर SIP एज अ कॉन्सेप्ट एक तरीके की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम SIP एज अ कॉन्सेप्ट नहीं सॉल्व कर पा रहा है। मतलब मान लीजिए आज अगर मैं 35 साल का हूँ, मेरी 1 लाख रुपया महीने की इनकम है, तो मैं 1 लाख रुपए को ध्यान में रखकर आज 20,000 रुपए की SIP कर रहा हूँ, ये सोचकर कि ये 20,000 रुपया अगले 25 सालों में मुझे इतना पैसा इकट्ठा करके दे पाएगा जिससे मेरी 1 लाख महीने की इनकम वाली लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाएगी। पर अगर मैं 5 साल बाद देखूं मेरी इनकम 1.5 लाख रुपए हो गई है, या 10 साल बाद मेरी इनकम 2 लाख रुपए हो गई है, उसके सामने अगर मैं अभी भी 20,000 रुपए की SIP कर रहा हूं, तो उससे जो पैसा इकट्ठा होगा वो शायद मेरी बढ़ी हुई इनकम वाली लाइफस्टाइल को मैच नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से दो चीजें आप कर सकते हो। फर्स्ट, हर 3 या 5 साल में आप एक अपनी बढ़ी हुई इनकम के हिसाब से इस SIP को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बढ़ी हुई SIP के साथ ही आप बढ़े हुए इनकम की लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे। पर मान लीजिए अगर आपको ये थोड़ा सा टीडियस लगता है कि हर 3 या 5 साल में शायद ये आप खुद से ना कर पाए, तो आपको एक अच्छा सा दूसरा एक ऑप्शन दिया जाता है जिसे आप स्टेप अप SIP कहते हैं। स्टेप अप SIP का मतलब है कि आप एक परसेंटेज बता दीजिए, और होगा यह कि हर साल वो उस परसेंटेज से आपके SIP की अमाउंट को बढ़ा देगा। तो मान लीजिए अगर वो SIP का अमाउंट आप 10% पे स्टेप अप 10% पे फ्रीज करते हैं, तो हर साल आपकी SIP पर 10% वो SIP ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, जिससे होगा ये कि आपके ना चाहते हुए, ना ध्यान रखने के बावजूद, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी SIP ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, जिससे आपकी करंट बढ़ी हुई इनकम के सामने जितनी SIP होनी चाहिए वो शायद कुछ हद तक आप उसे कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो वेल्थ क्रिएशन है या जो जर्नी है थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आप शायद बढ़ी हुई आपकी सैलरी पर आप अपनी SIP को उसी पेस से नहीं बढ़ाते हो, जिसकी वजह से शायद एक काफी बड़ा मिसमैच हो सकता है रिटायरमेंट के समय पे। तो स्टेप अप SIP एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसे आपको यूज करना चाहिए, जिसे आपकी SIP हर साल एक पर्टिकुलर रेट पे बढ़ती जाएगी, जिससे आपकी SIP जितनी चाहनी चाहिए आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो स्टेप अप SIP बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वाति जी, मेरे हिसाब से। तो स्टेप अप करना बेहद ही जरूरी है, और जैसा बताया, इसलिए इनफैक्ट स्टेप अप के अलावा एक कॉन्सेप्ट जो है हेमंत जी, लोग चाहते हैं कि अलग अलग बाजार में अलग अलग निवेश का फायदा उठाया जाए, तो SIP तो हमें मालूम ही अनुशासित निवेश का एक बेहतरीन तरीका होता है। कई लोग ट्रिगर SIP भी करते हैं, कुछ इसके फायदे होते हैं क्या? जैसे बाजार अभी अच्छे हाई पर है तो उस बढ़ोतरी का फायदा उठा दिया और एक ट्रिगर SIP की। I don't know, शायद सुनने में अच्छा लगता है मुझे लगता है, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो हमेशा आपके फेवर में वो काम करेगा, क्योंकि देखिए ऑल सेट एंड डन शॉर्ट टर्म में मार्केट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। आपको लगे कि अभी इतना गिरा, और कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है कि वो आपकी वाकई में आपके पास आपकी इनकम में आपकी सेविंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है क्या कि आप उसको बढ़ा पाए या नहीं बढ़ा पाए। और अगर आप मान लीजिए चढ़ते बाजार में उसको अगर कम भी कर रहे हैं, तो फिर वो कम हुए पैसे का आप क्या कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता नहीं कि बहुत ऐसा कोई
प्रूवन नहीं है कि ये वाकई में आपके लिए काम करता है। मुझे लगता है आप अपने प्रोसेस को सिंपल रखिए, जैसे हमने बात की कि आप एक एसआईपी का अमाउंट डिसाइड कीजिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे आपने भी कहा शुरुआत में, कि आपके जो गोल, जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो बढ़ता रहेगा। कभी कभी क्या होता है, आप स्टार्ट करते हैं आज एक टारगेट से, जैसे जैसे आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, इनकम बढ़ती है, तो आपका वो टारगेट भी बढ़ना चाहिए। और वहीं पे आई थिंक ये जो स्टेप अप एसआईपी की हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिसिप्लिन जो है कि आपकी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट होता रहे, वो चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता आपको अपने प्रोसेस को थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके हमेशा आपको फायदा होता है। अपने प्रोसेस को सिंपल रखिए, ये कभी भी प्रूवन नहीं है कि जो जो ट्रिगर एसआईपी है ये हमेशा आपके फेवर में काम करती है। जितना सिंपल आप अपने प्रोसेस को रखेंगे, मुझे लगता है उतना ही फायदा होगा आपको ओवर द लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, तो आपके लिए हर जरूरत के लिए एसआईपी मौजूद है, लेकिन आपको अपनी जरूरत के हिसाब से एसआईपी का चुनाव करना है कि आपको किस तरीके की एसआईपी सूट करती है। पर यह है कि आपको अनुशासित तरीके से अपना निवेश जारी रखना है, चाहे बाजार का कैसा ही मूड माहौल क्यों ना हो, आपका जो निवेश है वो गोल ड्रिवन होना चाहिए। अब ऐसे में कीर्तन, कई लोग कहते हैं कि एसआईपी निवेश करें या इकट्ठा जो पैसा हो गया उसको सीधा डाल दे किसी फंड में, तो क्या ये स्ट्रैटेजी कब काम आती है? स्वाति जी, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लमसम मार्केट को टाइम करने का एक थॉट है और एसआईपी डिसिप्लिन वाला थॉट है। देखिए, अगर आप एक सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर नहीं है तो शायद आप कभी लकी हो सकते कि आपने जब लमसम डाला मार्केट नीचे था, और कभी अनलकी हो सकते कि आपने पैसा डाला मार्केट का टॉप था और वहां से गिर जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लमसम जब आप निवेश करें तो आप ऐसे सिचुएशंस पे लमसम को निवेश कीजिए कि जब आपको पता है कि 2008 हुआ, 2000 हो गया, 2020 जैसा मार्केट क्रैश हुआ और तब आपको पैसा लमसम लगाना है, वो सबसे सही तरीका है लमसम को निवेश करने का। क्योंकि आपको पता है कि किसी एक अनवांटेड रीजन की वजह से मार्केट गिरा हुआ है और मार्केट शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वापस रिकवर हो जाएगा, तो ये एक सही समय मुझे लमसम पैसा निवेश करने का। पर वो लमसम जब आप पैसा निवेश करने की कोशिश करें तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करें। ये टाइमिंग शायद आपके फेवर में जा सकती है या आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। अगेंस्ट जाएगी इसका मतलब यह है कि शायद आप मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर है तब आप लमसम निवेश करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको अगले एक साल या दो साल तक वैसी रिटर्न जैसी आपको एक्सपेक्टेड है उसका उसका उसकी विजिबिलिटी ना हो, तो आपको उस पैसे को थोड़े लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ेगा। तो लमसम आप जब भी करें तो आप ये सोच के करें कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईपी बड़ा डिसिप्लिन है, आप मार्केट को बिल्कुल टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, एक पर्टिकुलर डेट पे आपका पैसा कट जाएगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एवरेज आउट हो जाएगा आपकी बाइंग कॉस्ट, जिसकी वजह से शायद एसआईपी डिसिप्लिन लाती है, लमसम एक टाइमिंग ऐड करता है जो हर कोई नहीं कर पाएगा। और ये भी समझना जरूरी है कि हर किसी के पास शायद लमसम पैसा ना हो, तो अगर आप सैलरीड हो, करियर स्टार्ट कर रहे हो, वेल्थ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो एसआईपी के द्वारा आप छोटा छोटा पैसा लगाकर एक बड़ी वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट कर सकते हो। जरूरी नहीं हर किसी के पास लमसम हो, पर अगर आपके पास लमसम है तो सोच के निवेश कीजिए कि मार्केट जब नीचे है तब अगर आप लमसम डालेंगे तो उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर है तो शायद उस पैसे को जब आप लमसम निवेश करें तो थोड़ा सा और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको उस पैसे को, आपको उस तरीके की रिटर्न देने के लिए जितनी रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल, तो ये रहे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के, कितनी एसआईपी करनी है, किस पर आपको किन वजहों से या किन फैक्टर्स पर आधारित है आपके एसआईपी की रकम, कैसे बढ़ाएं, एसआईपी करें, एकमुश्त निवेश करें, इस पर हमने आज चर्चा की। बहुत धन्यवाद हेमंत जी और कीर्तन, आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मनी गुरु में बस इतना ही।